गुड इवनिंग गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, चैप्टर नंबर 8 का वर्क पावर एनर्जी, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। अ बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.2। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को 0.2 दे रखा है और ब्लॉक का जो वेट है वो 2000 न्यूटन दे रखा है, यानी कि ब्लॉक का मास कितना रहा होगा, 200 किलोग्राम। ठीक है, अब फाइंड द वर्क डन बाय द फोर बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद चेन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो चेन के थ्रू वो आदमी थीटा एंगल पे एफ फोर्स लगा रहा है चेन के थ्रू, ठीक है, तो अगर मैं इसकी एफ बी डी बनाऊँगा तो क्या क्या आएगा उसमें। सबसे पहले तो एक 2000 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ है ना भाई, 2000 का फोर्स नीचे की तरफ, और इस एफ को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। एक तो हो जाएगा अपना एफ कॉस थीटा है ना, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ये हो गया। और ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा ड्राइविंग फोर्स है, ये ब्लॉक कहाँ स्लाइड करेगा, राइट हैंड राइट साइड में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, और कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन। अब देखो एक और फोर्स बच रहा है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक पे ऊपर की डायरेक्शन में, एन। ठीक है, तो अब सोचो वाई डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ना, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस एफ साइन थीटा, ये हो गया दिस प्लस दिस, ऊपर वाले दोनों फोर्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2000 नीचे वाला फोर्स, ये क्योंकि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपन इसको स्लोली खिसका के ले जा रहे हैं, स्लोली स्लिड, स्लोली स्लाइड करके ले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है जो कि एफ कॉस थीटा है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, है ना, तो एफ की वैल्यू सॉरी एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू एन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से मैं एन की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है, देखो भाई यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी 2000 माइनस एफ साइन थीटा, तो 2000 माइनस एफ साइन थीटा। इस इक्वेशन में से मैं एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वो आ जाएगी म्यू इंटू 2000 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हेर फेर करना, ये आ जाएगा रिजल्ट, वो कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकालना है अपने को क्या, वर्क डन बाय द पर्सन इन पुलिंग द ब्लॉक थ्रू 20 मीटर। 20 मीटर अगर वो पर्सन इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड में ले जाएगा तो वर्क निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एफ साइन थीटा कोई वर्क नहीं करेगा, करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा, भले ही वो पर्सन एफ फोर्स लगा रहा है, इस एफ साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा वर्क में, किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सिर्फ एफ कॉस थीटा का। ठीक है, और वैसे भी अपने को पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको अपन एफ पैरेलल भी बोल लेते हैं, या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग फोर्स, बात एक ही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो एफ कितना है भाई, 20 है, और एफ का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, राइट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन यानी कि राइट डायरेक्शन के पैरेलल एफ का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा, ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ कब वैलिड होती है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही ऑब्वियसली, तब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 20 इंटू एफ की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो म्यू इंटू 2000 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 20 म्यू 2000,
अब इस पूरी इक्वेशन को मैं कॉस थीटा, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, वन, और नीचे बनेगा वन प्लस म्यू टैन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो भाई ये 20 × 2000 कितना हो जाएगा, 40000, है ना, 40000 म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टैन थीटा। इस इक्वेशन को मैं म्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 40000, और ये म्यू तो ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाला, वन बाय म्यू प्लस टैन थीटा आ जाएगा। अब देखो भाई म्यू की वैल्यू अपने को 0.2 दे रखी है, वन बाय 0.2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस टैन थीटा, ये हो जाएगा अपना वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है ना, जब अपन ब्लॉक को 20 मीटर स्लाइड करवाएंगे स्लोली, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट ए का सॉल्यूशन, ठीक है। अब पार्ट बी में जाने से पहले, पार्ट बी में जाने से पहले मैं क्वेश्चन का रेफरेंस दे देता हूँ, है ना। आप अगर चैप्टर नंबर 6 को देखोगे, चैप्टर नंबर 6 जो है फ्रिक्शन, तो उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। फ्रिक्शन वाली प्लेलिस्ट खोल लो और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 20 पहले देख लो, उसके बाद ये बी पार्ट आपको बनाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस ट्वेंटी क्वेश्चन में जो पूरी जानकारी यूज़ की गई है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा विच एंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। मतलब वो बंदा एक ऐसी वैल्यू फोर्स की ले रहा है, एक ऐसी वैल्यू एंगल थीटा की ले रहा है सच दैट उसको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है और उस एफ मिनिमम की वैल्यू आती है, यानी कि मिनिमम फोर्स टू ड्राइव द बॉक्स, है ना, वो होता है म्यू इंटू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो इस मिनिमम फोर्स को अपन थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ लगाते हैं, तब जाके मिनिमम वैल्यू पे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है, यानी कि इससे कम फोर्स लगा के आप ब्लॉक को स्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी केस में वर्क डन पूछा हुआ है तो क्या करना है, वही बात, एफ, अब इसी एफ मिनिमम फोर्स का वर्क डन निकालना है तो फिर से वही बात आ जाएगी, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पर एफ़ की जगह मैं क्या रख दूँगा, ये रख दूँगा, ठीक है। तो म्यू इंटू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, देखो भाई थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू है तो टैन थीटा बराबर म्यू आ जाएगा, ठीक है ना, या दोनों साइड टैन लगा दूंगा तो यहाँ पर टैन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर म्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये वन हो गया और ये म्यू हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, वन प्लस म्यू का स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा म्यू अपॉन वन प्लस म्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये रख दो, तो म्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर, ठीक है ना, ये 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई देखो आपको म्यू पता है 0.2 है ना, म्यू पता है 0.2 है, और आपको ये सब कुछ पता है, एम जी भी पता है, एम जी कितना है, 2000 न्यूटन है, ठीक है। तो इसको रख दो यहाँ पर, देखो ये ऊपर म्यू का स्क्वायर बन रहा है ना, तो म्यू का स्क्वायर
इंटू एम जी की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू ये 20 आ गया, और नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है, ये और ये इंटू इंटू होके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसको आप सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस डिवाइडेड, देखो भाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू कितना है 0.2 है, तो म्यू का स्क्वायर कितना हो गया 0.04, तो 1 प्लस नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1.04, है ना, तो डिवाइडेड बाय 1.04 कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट रुको यार, आंसर गलत आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना। एफ कॉस थीटा इंटू एस, बिल्कुल सही है, एफ की वैल्यू क्या आई है एफ मिनिमम यानी कि म्यू इंटू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा हाँ ये गलती हो गया, आई एम सो सॉरी यार, देखो ये टैन थीटा बराबर म्यू है ना, तो ये म्यू होगा और ये वन होगा, है ना, ये गलती हो गई, तो कॉस थीटा में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, तो यहाँ से ये म्यू हट जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, तो बेसिकली म्यू की वैल्यू 0.2 थी, अब 0.2 को हटा दिया मैं और 1 ला रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा जो आंसर है इनटू 5 करना पड़ेगा, ले देखिए जो भी है इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ रख देना और जब आप सॉल्व करोगे, इसको छोड़ो कैलकुलेशन खुद आराम से बैठ के करते रहना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7692 जूल्स आ जाएगी, है ना भाई, वर्क डन है तो ऑब्वियसली आंसर जूल्स में आएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अपन लोगों ने एसआई यूनिट्स में रखी हुई है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में रखी हुई है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मीटर में रखी हुई है, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पार्ट बी में ये कैसे आया, एस मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, और थीटा इज इक्वल, और एफ मिनिमम कितने एंगल पे लगाना चाहिए वो होना चाहिए टैन इनवर्स म्यू पे, ये कैसे आया है ये आपको जो मैं बताया फ्रिक्शन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 उसको ज़रूर देख लेना, उससे ये आपको समझ में आ जाएगा, और इनफैक्ट आपको ये दोनों रिजल्ट तो याद भी होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसका एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है ना, सोचो अगर इस क्वेश्चन में अपन मैं पूरा फंडा लगाता, अगर क्वेश्चन नंबर 20 किसी को याद होगा तो उसको भी अगर मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन में, फिर इसके पार्ट बी को सॉल्व करूँगा तो ये क्वेश्चन आधा घंटा का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत सारी कोचिंग्स में या फिर बहुत सारी क्लासेस में या स्कूल्स में ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन करवाया जाता है कि वॉट शुड बी द वॉट इज़ द मिनिमम फोर्स टू एंश्योर द स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक एंड इन वॉट डायरेक्शन दिस फोर्स शुड बी अप्लाइड, और ये रिज़ल्ट उसका आता है, और एग्जैक्टली यही दोनों चीज़ मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ, ठीक है, तो वो आप जाके देख लेना वहाँ पर, और बल्कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है, तो आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।